बच्चों का सही तरह से ट्रैकिंग हो, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छे से जाए, मदर का न्यूट्रिशन अच्छे से जाए। हमारे आज के मुख्य अतिथि ड्यूटी कमिश्नर उधमपुर मैम सलोनी राय जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो मैं अभी हमारे CDPO श्री संजीव शर्मा जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जिसमें हम विभिन्न पार्किंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारे आता, जितनी प्रोग्रेस हमारे ऐसी वेस्टिंग में, जितनी प्रोग्रेस 40 साल में होनी चाहिए थी, काउंसलिंग करें, महीने दर महीने उनका ट्रैकर पे आप मॉनिटर करिए। कई लोगों को ट्रैकर यूज़ करना भी नहीं आता है, दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि आप जो उसमें मेजरमेंट्स करते हैं कई लोग उसमें ठीक तरह से मेजरमेंट्स नहीं करते हैं, तो उस चीज़ पे भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं अपने CDPO या POICDS से आप दोबारा ट्रेनिंग ले लें, उसमें हिचकिचाने की बात नहीं है, मगर बच्चों का सही तरह से ट्रैकिंग हो, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छे से जाए, मदर का न्यूट्रिशन अच्छे से जाए, और हम जब have a healthy nation. So, आपको उसी दिशा में काम करना है. My best wishes to all of you and I hope कि आज जो हम flag off करेंगे van, वो हम सबका message घर घर तक लेके जाएगी और आप सभी उसमें एक stalwarts का role play करेंगे और इस चीज़ को ज़रूर ensure करेंगे कि अगली बार जब हम मिलें तो ये percentage 10 से जाके 1% के below अगले आई कैन सी कि 6 महीने में हम टारगेट कर सकते हैं कि 6 मंथ्स में डेफिनेटली वी शुड कम डाउन टू 1%. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. आज उधमपुर ज़िले में पोषण वैन का फ्लैग ऑफ किया गया है, जो उधमपुर ज़िले के हर एक ब्लॉक में जाके जन जागरूकता का काम करेगी, जिसमें एक प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स के न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देंगी और जो न्यू बॉर्न और 0 to 6 ईयर्स के बच्चे का न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे. इसमें जो अलग इम्यूनाइजेशन है एज़ पर स्केड्यूल और जो न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, अलग तरह की रेसिपीज़ जो बनाई जा सकती हैं जिससे बच्चे का न्यूट्रिशन और लैक्टेटिंग मदर का न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उस सब की जानकारी ये वैन के द्वारा दी जाएगी. देखिए, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर तैनात हूँ और हमारे पोषण के तहत हमारी जो स्कीमें हैं या ख़ास करके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का जो प्रोग्राम है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों में आएं और जो वहाँ न्यूट्रिशन दी जाती है उसकी उसका बेनिफिट उठाएं. इसके साथ साथ हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को भी एजुकेट करें ताकि वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स का प्रॉपर जो न्यूट्रिशन पैटर्न है उसको सुधारने में मदद दें. इसके अलावा जहाँ आज हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारी स्कीमें हैं, जैसे हमें आधार बनाना है या PMMBY की रजिस्ट्रेशन करनी है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं आफ्टर डिलीवरी जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, दूसरा सेकंड चाइल्ड अगर बेबी गर्ल चाइल्ड है तो उसके भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो उस चीज़ का जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए ये आज हमने अपने 2 बैंड्स जो हैं मोबाइल बैंड्स पोषण अभियान के तहत जहाँ से DC मैडम ने फ्लैग ऑफ की हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमेंगी और हर जगह जाके अपना ये मैसेज है जो लोगों तक पहुँचाएँगी.